खुशखबरी, स्पर्श ने दिया 1 लाख से ऊपर का एरियर। आप भी जितने पेंशनर्स हैं आप भी ले सकते हैं, आगे वीडियो में बताऊंगा। इंट्री लेवल पे का एरियर 1 लाख तक लेने के लिए फॉर्म जमा करें, फॉर्म कहां से मिलेगा ये भी बताऊंगा, कैसे भरना है ये सब आगे के वीडियो में बताऊंगा। फिर तीसरी है, अगर पेंशनर्स को FMA लेना है तो कार्रवाई आपको कैसे करनी है ये भी आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो 3-4 वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए जितने भी पेंशनर्स हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ आप लोग को लेकर चलता हूँ। RTI का जवाब PCDA से स्पर्श से, एक जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने RTI के थ्रू डिपार्टमेंट से जवाब मांगा था कि मुझे FMA नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर PCDA ने स्पर्श ने एक जवाब दिया है। अगर पेंशनर्स को FMA लेना है तो कैसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्पर्श से FMA लेने के लिए आपको 2 चीज़ें देनी पड़ेगी, 2 सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। पेंशनर को CPPC से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये हो गया। एक तो आपको बैंक से CPPC से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने पहले कभी FMA का पैसा नहीं लिया है, तो ये सर्टिफिकेट में लिखवाना पड़ेगा और आपको स्पर्श को देना पड़ेगा। तो एक ये सर्टिफिकेट हो गया, फिर ECHS से भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने पहले कभी ECHS की फैसिलिटी नहीं ली है, तो ये भी उसमें आपको लिखवाना पड़ेगा। यानी इन्होंने पहले ECHS की जो फैसिलिटी नहीं ली है, जो पेंशनर्स है जिन्होंने RTI किया है, उन्होंने ये ECHS की फैसिलिटी नहीं ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आपका स्पर्श में पर माइग्रेशन हो गया है और आपने पहले CPPC बैंक से FMA का पैसा नहीं लिया है, तो एक तो आपने पहले पैसा नहीं लिया है ये लिखवाना पड़ेगा बैंक CPPC से, और दूसरा लिखवाना पड़ेगा ECHS डिपार्टमेंट से कि आपने पहले कभी ECHS की फैसिलिटी नहीं लिया है। इस बेस पर स्पर्श की तरफ से आपको FMA दिया जाएगा, तो ये कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको स्पर्श की तरफ से पेंशन पर 1000 रुपये का भुगतान होगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका बैंक से CPPC से स्पर्श पर ट्रांसफ़र हो गया है, माइग्रेशन हो गया था, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। चलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का क्रांतिकारी बहुत बड़ा फैसला आया है। पंजाब के जो विधायक है अब उनको एक ही पेंशन मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में कई विधायकों को 2-2, 3-3 पेंशन मिलती थी, काफ़ी फैसिलिटी भी मिलती थी, लेकिन पंजाब की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, उसमें जो विधायक हैं उनकी सिर्फ एक ही पेंशन दी जाएगी और बाकी जो पैसा है वो यूटिलाइज किया जाएगा। जैसे कि पेंशनर्स हो गया, जो भी पेंशनर्स का कोई एरिया रुका होगा, चाहे कोई ड्यू होगा, उसके लिए पेंशनर्स को वो पैसा भुगतान किया जाएगा। ये पंजाब सरकार की तरफ से विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन दिया जाएगा, ये पंजाब सरकार ने पहली सरकार ऐसी बनी है कि एक से ज़्यादा पेंशन देने का मामला खत्म कर दिया। पहले उनको 2-2, 3-3 जितने बार विधायक बने उतने बार उनको पेंशन मिलता था, लेकिन ये पंजाब सरकार ने ये एक ही सिर्फ पेंशन देगा, उस पर रोक लगा दिया है, सिर्फ ओनली 1 पेंशन मिलेगा। चलिए अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। खुशखबरी, स्पर्श ने दिया 1 लाख से ऊपर का एरियर, पेंशनर्स ने जमा किया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से सर्कुलर नंबर, जी हाँ, सर्कुलर नंबर 568 का एरियर मिला है, जैसा कि आप साइड में ये स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। तो इन्होंने CPGRAM के थ्रू से कार्रवाई किया और बैंक CPPC से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनवाया और डायरेक्ट स्पर्श को दे दिया, तो स्पर्श ने 1 लाख से ऊपर का एरियर भुगतान कर दिया, क्योंकि CPPC से बैंक से इनको एरियर पहले नहीं मिला था। तो आप भी इसी तरह कार्रवाई कर सकते हैं और आप अपना हक स्पर्श के थ्रू से ले सकते हैं, बस आपको सही से कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। इंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए फॉर्म जमा करना पड़ेगा आपको। एक फॉर्म है जिसमें आप भरकर इंट्री लेवल पे का एरियर ले सकते हैं और ये एरियर उनको मिलेगा जो 2006 से पहले इनरोल हुए हैं और 1/1/2006 तक वह सिपाही थे, नायक थे, फिर हवलदार थे या फिर नायक सूबेदार थे, और 2006 के बाद में वह रिटायर हो गए। तो ये जो एरियर है ये भी 1 लाख से ऊपर का एरियर है, तो इसकी कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म जो है वो फॉर्म आप भर सकते हैं, वो फॉर्म आपको मैं आपको दूंगा, आगे वीडियो में बताऊंगा, उससे भरकर सबमिट करके आप 1 लाख तक का एरियर
ले सकते हैं। इंट्री लेवल का एरियर आपको मिल जाएगा। काफ़ी पेंशनर्स को मिला भी है और कुछ पेंशनर्स को अभी नहीं मिला है, तो आप भी कार्रवाई करके 1 लाख तक का एरियर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।